हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमने एक नया ऐप चालू करना है जिसका नाम है लॉ रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर का पार्ट भी। मैंने आपको जैसे कि हमारी स्टडी मटेरियल के अंदर आपको पता होना चाहिए सर, हमने अभी तक इसका पार्ट ए कम्प्लीट कर लिया है। पार्ट बी हमारा ये रहा, हम पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हो और ये एक नया एक्ट है जिसका नाम है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसको हम प्यार से बोलते हैं सरफासी। ठीक है, तो यहां पर मैंने नोट्स में डाला हुआ है सरफासी एक्ट 2002। सरफासी कुछ भी तरीके से बोल सकते हैं इसको। बाकी सर स्टडी नोट नंबर 5, अगर हमने आपके आप हमारे चैनल में नए आए हो तो मैंने स्टडी नोट नंबर 5 का पार्ट ए पूरा डाल दिया एज पर स्टडी मटेरियल। और आपको पता है सर, जब आप देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि स्टडी मटेरियल से एक एक पॉइंट मैच करेगा, वहां पर एक एक चीज कोई नहीं छोड़ा। दोस्तों वहां जाकर आप देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर देख लेना। पहले वो देख लीजिए, फिर इस पर आ जाना, फिर भी देख लेना। सर इस चैप्टर की बात करें तो सरफासी एक्ट एक नया एक्ट है और इसको स्टडी मटेरियल के अंदर लॉ रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर के पार्ट बी में डाला गया। इसके बाद पार्ट सी है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब इसके अंदर क्या है सर, पार्ट बी के अंदर हमें 4 पॉइंट बनने मेन मेन। इंट्रोडक्शन जल्दी खत्म कर देंगे, फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बाद फिर रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल ऑफ एसेट ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और तीसरा पॉइंट है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सर हमारा मोटिव आप अगर आप इस वीडियो को जल्दी मतलब ऊपर से स्पीड बढ़ाओगे और देखोगे तो आपको अच्छे से और अच्छे समझ में आएगा, आपका जल्दी भी हो जाएगा। मैं हर क्लास में ये बोलता हूँ कि मेरी क्लासेस को आराम से देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छा, अगर आपको कोर्स कम्प्लीट करना है, जल्दी कम्प्लीट करना है, जल्दी समझना है, तो अगर आप वीडियो को स्पीड लेवल पे ले जाओगे 1.5 या 1.75 पे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। दोनों तरह से समझ में आएगा, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर लेना सर। दूसरी बात सर, हमें इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट करना है, मैं आपको कह रहा हूँ सर, आज की क्लास के अंदर पूरे चैप्टर खत्म कर दूंगा एक ही क्लास के अंदर, बस प्रोविजन रह जाएंगे। अगर मेरा एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल दूंगा सर चैप्टर के अंदर, 3 एग्जाम्पल के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका सर। वो एग्जाम्पल ध्यान समझ लेना। उससे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन बातें बताऊंगा यहाँ पर। इंट्रोडक्शन बातें बताने के बाद मेरे 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, 3 एग्जाम्पल्स, और 3 एग्जाम्पल में तीनों का नाम समझा दूंगा, बट सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इसके लिए 3 एग्जाम्पल, तीनों वर्ड का मतलब अगर आपको समझ में आ जाता है, सिक्योरिटाइजेशन किसे कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट किसे कहते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसे कहते हैं, अगर तीनों एग्जाम्पल कर दिए, अगर मेरे साथ समझ लिया आपकी क्लास के अंदर, तो सर 30 मिनट की वीडियो होगी, 30 से 40 मिनट की ज्यादा से ज्यादा वीडियो होगी, बट इस 30 से 40 मिनट आपके ये पूरे चैप्टर को एक ओवरव्यू बता देगा कि अगर पूरा चैप्टर क्या क्या है एक्चुअल में, किस बारे में हम इस चैप्टर में अंदर बात करेंगे। ठीक है सर, वो 3 एग्जाम्पल अभी करेंगे, उससे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, मैं आपको बताता हूँ ये चैप्टर हम कैसे कंप्लीट करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कुछ बातें, तो इंट्रोडक्शन हमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं, हमें मेन मेन टॉपिक में आना है। दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तब करूंगा जब मैं 3 एग्जाम्पल बता दूँ, और जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल खत्म करे मेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, बस मुझे पढ़ाना रह जाएगा बस इसमें से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भाई, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सब खत्म हो जाएगा दोस्तों मेरा अगर मेरे 3 एग्जाम्पल आपने अच्छे से कर लिए। अब वो 3 एग्जाम्पल क्या आपको मजा आने वाला है उसमें, फिर आगे हम प्रोविजन पढ़ेंगे इन सारे की। तो आज की क्लास के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मैंने एक चैप्टर का नाम लिखा सरफासी एक्ट 2002, या इसको बोल सकते हैं सर फा ई एस आई एक्ट 2002। ठीक है, तो सर इंट्रोडक्शन जैसे जो बुक के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार सर, ये जो इंट्रोडक्शन है इसको मैंने वेरी शॉर्ट फॉर्म में 4 लाइन में लिख दिया, बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी जो मुझे इंपॉर्टेंट लाइन लगी मैंने वो लिख दिया पूरे इंट्रोडक्शन के अंदर, वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भाई ये बता रहा है कि दिस एक्ट इट केम इनटू द फोर्स ऑन 21 जून 2002 को ये एक्ट फोर्स में आया था। इट वॉज अमेंडेड, ये दो बार अमेंडेड हुआ था, 2004 में और 2012 में। एक बार 2004 में अमेंड हुआ, 21 जून 2002 के बाद ये दो बार अमेंड हो गया है दोस्तों, एक बार 2004 में और एक बार 2012 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सरफासी टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन। अब सर ये सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके बारे में थोड़े टाइम में भी समझते हैं।
देखो एक फेमस केस था, द केस ऑफ मरीदा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये बताया गया, डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट ने, हैज अप्रूव्ड द वैलिडिटी, इस एक्ट की वैलिडिटी को अप्रूव कहा, और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये एक्ट वैलिड है, ये एक्ट वैलिड माना जाएगा। ठीक है, किस केस में? मरीदा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव्ड करा इस एक्ट की वैलिडिटी, ये वैलिड माना जाएगा। और दूसरा ये बताया कि जो भी ये लॉ कहता है ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो यहाँ पर लिखा है द लॉ स्टेटिंग दैट इट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी ये लॉ कहेगा वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, उसको कहकर इस एक्ट को वैलिड कहा गया। बस ये पॉइंट याद रखना, मरीदा प्राइवेट केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, मरीदा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भाई केस लो पूछ सकता है आपसे। तो ये किस में था? सरफासी एक्ट के अंदर था, और इसको इसमें इस केस के द्वारा सरफासी एक्ट को वैलिड कहा गया, और उसपे कहा गया कि भाई जो भी ये लॉ कहेगा, जो भी एक्ट कहेगा वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर है? सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू देख रहे हैं। मैंने देखा भाई ये 2000 ये आया 21 जून 2002, आने के बाद दो बार अमेंड हुआ 2004 और 2012 में। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है बिजनेस को रेगुलेट करना, जो सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम करती है उस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, अब ये सिक्योरिटाइजेशन वाले बिजनेस कौन सा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या है वो देखेंगे। और केस था मरीदा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट वैलिड है और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है। ठीक है सर, यहाँ समझ में आया। दोस्तों इसके बाद थोड़ा एक बार हिस्ट्री जान लेते हैं इसकी, उसके बाद हम सीधा चालू करेंगे। एक बार देख लेते हैं सर पहले क्या हुआ था। सर आपको पता है सर ये हुआ था, पहले सरफासी ऑर्डिनेंस बना था 2002 में, फिर उसके बाद एक्ट बना विद इन सिक्स मंथ अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। सर क्या हुआ, ध्यान सुनना सर, सबसे पहले क्या होता है सरफासी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं वो समझते हैं एक बार। क्या होता है दोस्तों कि जब भी कोई कानून बनाना होता है तो हमें लोकसभा और राज्यसभा का अप्रूवल लेना होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा का अप्रूवल मिल जाने के बाद फिर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, वहां पर उनका एसेंट लेते हैं, वहां पर उनके साइन स्टैंप लेते हैं, तब वो कोई भी लॉ बन जाता है एक्ट। जब कोई भी लॉ बन जाता है एक्ट, अब मेरी बात समझना। मान लो गवर्नमेंट, मैं एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूं इसको। सर ये वो एग्जांपल नहीं है, तीन में से ये वो एग्जांपल नहीं, बस एक बार समझाना चाहता हूं ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं। तो सर ध्यान सुने, मान लो बीजेपी गवर्नमेंट को कानून बनाना है। ठीक है, अब बीजेपी गवर्नमेंट को कानून बनाना है तो किसी भी चीज को लॉ बनाने के लिए इनको कहां जाना पड़ेगा दोस्तों? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के पास। अब जब यहां से अप्रूव्ड हो जाएगा तो सर लॉ पहले बनता है ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट जब लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूव्ड हो जाते हैं तो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और जब वहां से एसेंट मिल जाता है तो ये ड्राफ्ट, ये लॉ, ये बुक, रूल बुक क्या बन जाती है, ये ड्राफ्ट बोल लो या इसको रूल बुक बोल लो, ये रूल बुक क्या बन जाती है दोस्तों? एक्ट बन जाता है। एक तो ये तरीका होता है दोस्तों एक्ट बनाने का। तो जब भी कोई एक्ट पास करना होता है तो पहले हमें लोकसभा राज्यसभा दोनों में अप्रूव्ड कराना पड़ता है, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने सिग्नेचर करते हैं, सेंड देते हैं, स्टैंप लगाते हैं, तो वो रूल बुक या ड्राफ्ट बन जाता है एक्ट। यहां समझ में आया इतना? हाँ जी सर। सर इसके बाद क्या होता है, जब भी मान लो बीजेपी गवर्नमेंट को अर्जेंट लॉ बनाना है, कोई अर्जेंट सी आनी है, और इसके लिए इतना वेट नहीं कर सकते कि राज्यसभा और लोकसभा का रूल लो, तो इसके जब भी कोई अर्जेंट लॉ बनाना पड़ता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चली जाती है। और यहां पर अर्जेंट लॉ उनसे बोलते थे भाई इसमें स्टैंप लगाओ, इसमें सिग्नेचर करो, सर हमें अर्जेंट लॉ बनाना है, हम लोकसभा राज्यसभा के पास जाएंगे तो काफी लेट हो जाएगा। तो अगर जब अर्जेंट लॉ बनाना है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा हर वक्त नहीं बैठे रहते, विंटर सीजन मॉनसून सीजन में बैठे रहते सर, तो एक टाइम होता है जब बजट के टाइम बैठे रहते, तो जब भी कभी किसी भी गवर्नमेंट को अर्जेंट लॉ बनाना होता है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिना लोकसभा और राज्यसभा का अप्रूवल लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सिग्नेचर या एसेंट ले लेते हैं, सिग्नेचर और स्टैंप ले लेते हैं। इससे क्या बनता है, ये बन जाता है लॉ। बट ये क्योंकि टेम्पररी बेसिस लॉ होता है, क्योंकि बिना अप्रूवल ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के हम कोई भी लॉ नहीं पास कर सकते, कोई भी लॉ। तो क्या हुआ, सरफासी एक्ट को 2002 में एक अर्जेंट लॉ लाना था, इस वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एसेंट ले लिया विदाउट लोकसभा और राज्यसभा का अप्रूवल लेकर। तो जब भी कोई भी अर्जेंट लॉ
कोई भी लॉ विदाउट लोकसभा और राज्यसभा का अप्रूवल से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं अर्जेंसी में टेम्परेरी बेसिस पर, इस टेम्परेरी बेसिस के लॉ को, टेम्परेरी लॉ को हम नाम देते हैं ऑर्डिनेंस। भाई दोस्तों यही है ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं? ऑर्डिनेंस होता है टेम्परेरी लॉ जिसमें अभी तक लोकसभा राज्यसभा का अप्रूवल नहीं है, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन कर दिया टेम्परेरी क्योंकि अर्जेंसी खत्म करनी थी, इसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस तो सबसे पहले दोस्तों क्या बना? सरफेसी ऑर्डिनेंस 2002 पास हुआ, इसमें लोकसभा और राज्यसभा का अप्रूवल नहीं था। फिर बाद में 6 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा ने उसका अप्रूवल दिया, तब जाकर ये ऑर्डिनेंस से बन गया एक्ट, तब जाकर ये ऑर्डिनेंस क्या बन गया दोस्तों? एक्ट बन गया। समझ में आया? ऑर्डिनेंस समझ में आया किसे कहते हैं? टेम्परेरी लॉ, विदाउट लोकसभा और राज्यसभा की अप्रूवल के बिना हमने लॉ बना लिया है, बट एमरजेंसी खत्म होने, जब एमरजेंसी है उसके बाद हमें लोकसभा और राज्यसभा की अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब हम ये अप्रूवल लेंगे तो फिर उसके बाद ये लॉ एक्ट में कन्वर्ट होगा। अच्छा मान लेते हैं कि अगर लोकसभा और राज्यसभा ने अप्रूवल, किसी में एक ने भी अगर अप्रूवल नहीं है, दोनों ने नहीं दिया, तो उस केस के अंदर जो ये ऑर्डिनेंस है वो खत्म हो जाएगा, सही, लॉ खत्म हो जाएगा। बट इससे पहले जो भी कानून बनाया था, मतलब इससे पहले जो ऑर्डिनेंस हुआ था, इससे पहले जो भी कुछ डिसीजन लिया होगा इस बेस पर, तो वो वैलिड ही रहेगा, वो नहीं खत्म होगा, उसके बाद की डिसीजन नहीं ली जाएंगे, खत्म हो जाएगा। बट इस केस के अंदर क्या हुआ था? इस केस के अंदर ऑर्डिनेंस पास करा, फिर विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर अप्रूव कर दिया था पार्लियामेंट द्वारा, पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा को अप्रूव्ड करा, अप्रूव करके बाद ये बन गया। ये तो था थोड़ा बहुत हिस्ट्री थी। सर अब मेन बात में आ जाते हैं कि एग्जांपल्स क्या है, वो तीन, सर वो तीन एग्जांपल सुन लो, मैं कह रहा हूं देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सुनोगे खत्म हो जाएगा, ऐसी मैं एग्जांपल सुनाऊंगा कहानी के तौर पर, बट आपको सारी चीजें तीनों लाइन का मतलब समझा दूंगा जो ये पूरा चैप्टर है उस पेज पर। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर वन दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर वन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जगह छोड़ देना हेडिंग के लिए अगर आप उतार रहे हो तो, नहीं तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। बिल्कुल नोट्स जो मिलेंगे आपको इस वीडियो, मतलब इस कॉन्सेप्ट, इस पूरे चैप्टर के वीडियो, इस चैप्टर के लास्ट में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है? अगर जिस दिन ये लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, उसी दिन हर वीडियो के अंदर नीचे वो नोट्स होंगे, ठीक है? ओके दोस्तों एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल को, थोड़ा बड़ा होने वाला है, ध्यान सुनना। सर ये बैंक है, कोई भी बैंक मान लेते, एक बैंक ने, आप स्पीड से देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको आराम से करा रहा हूं तो आप स्पीड से देख सकते हैं इसको, ठीक है? मैं तो आराम से कराऊंगा दोस्तों। अच्छा एक बैंक ने एक पर्सन को लोन दिया, मान लेते हैं वो पर्सन है मिस्टर ए, मान लेते हैं वो पर्सन क्या है? मिस्टर ए। तो बैंक ने क्या करा? लोन दिया मिस्टर ए को। सर लोन गिवन फॉर टेन ईयर, 10 साल के लिए बैंक ने एक मिस्टर ए को लोन दिया। इसके बाद मिस्टर ए कौन हो गए दोस्तों? मिस्टर ए हो गए, ध्यान से देखना, मिस्टर ए हो गए डेटर। किसके लिए? मिस्टर ए हो गए डेटर बैंक के लिए, क्योंकि बैंक ने मिस्टर ए से पैसा लेना है। और बैंक हो गया क्रेडिटर, किसके लिए? बैंक हो गया क्रेडिटर मिस्टर ए के लिए। दोस्तों दोनों में फर्क है, डेटर कौन है? मिस्टर ए। किसके लिए? बैंक के लिए। बैंक कौन है? क्रेडिटर। किसके लिए? मिस्टर ए के लिए, ठीक है? तो बैंक के लिए मिस्टर ए डेटर हो गया, बैंक क्या हो गया? बैंक के लिए क्या है? वो डेटर है। अब जब बैंक ने लोन दिया दोस्तों, ध्यान सुना, बैंक ने जब लोन दिया तो मिस्टर ए ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपनी बैलेंस शीट के अंदर, ध्यान समझे दोस्तों, अपनी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में डाल दिया बैंक लोन, लायबिलिटी साइड में डाल दिया बैंक लोन, ठीक है? लायबिलिटी बढ़ गई इसकी मिस्टर ए की, ये मिस्टर ए ने अपनी बैलेंस शीट में करा, अपनी बैलेंस शीट में। जब बैंक लोन देगा दोस्तों 10 साल के लिए मिस्टर ए को, तो इसके बदले में दोस्तों सिक्योरिटी ले लेगा कुछ मिस्टर ए से। इसके बदले में क्या ले लेगा दोस्तों? सिक्योरिटी। बैंक ने सबसे पहले बैंक ने क्या करा? सबसे पहले दोस्तों बैंक ने क्या करा? लोन दिया। बैंक ने क्या दिया दोस्तों? लोन दिया। मैं इसको बोल रहा हूं पहला पॉइंट, इसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पॉइंट, बैंक ने लोन दिया। जब बैंक ने लोन दिया तो क्या हुआ? बैंक ने लोन दिया गिवन टू मिस्टर ए 10 ईयर, और मिस्टर ए ने इसके बदले में क्या दी? सिक्योरिटी। क्या दी दोस्तों? सिक्योरिटी दी बैंक ने, मिस्टर ए ने इसके बदले में सिक्योरिटी दे दी मिस्टर ए ने इसके बदले में सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी में क्या होता है? सिक्योरिटी, अब लिख लेते हैं सिक्योरिटी दे दी एसेट,
सिक्योरिटी क्या दे दी दोस्तों, एसेट दे दी। अब मुझे बताओ दोस्तों बैंक ने क्या दिया मिस्टर ए को, लोन दिया, और लोन के बदले में क्या ले ली, एसेट ले ली सिक्योरिटी के तौर पे, या सिक्योरिटी के तौर पे, श्योरिटी के तौर पे, श्योरिटी के तौर पे, या गारंटी के तौर पे, गारंटी के तौर पे, ठीक है, गारंटी के तौर पे। अब क्या हुआ, तो बैंक के पास क्या आया दोस्तों, ध्यान सुनना, बैंक के पास क्या एसेट आ गई, बैंक ने अपनी बैलेंस शीट के अंदर, बैंक ने अपनी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में लिखा फाइनेंशियल एसेट, क्या लिखा दोस्तों, फाइनेंशियल एसेट। जब भी हम लोन के बदले में कुछ सिक्योरिटी जमा कराता है कोई पर्सन, मैंने किसी को लोन दिया, मैं बैंक हूं, मैंने किसी को लोन दिया, उसके बदले में किसी पर्सन ने मुझे उसके ब्याह पर सिक्योरिटी जमा कराई, तो बैंक के लिए वो सिक्योरिटी एसेट मानी जाएगी, और उस सिक्योरिटी का नाम होता है फाइनेंशियल एसेट। बैंक उस सिक्योरिटी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपनी एसेट साइड में फाइनेंशियल एसेट नाम से रिकॉर्ड करता है, अपनी एसेट साइड में क्या रिकॉर्ड करेगा दोस्तों, फाइनेंशियल एसेट। यहां देखो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मेरी एग्जांपल में कवर हो जाएगी, पढ़ेंगे इसको भी, बट अभी मेरे एग्जांपल में चल रहे हैं। तो जब भी बैंक मिस्टर ए को लोन देगा, लोन के बदले मिस्टर ए क्या दे देंगे, सिक्योरिटी दे देंगे, तो मिस्टर ए अपने बुक्स अकाउंट में क्या शो करेंगे, मिस्टर ए अपने बुक्स अकाउंट में बैंक लोन शो करेंगे, और बैंक अपनी बुक में क्या शो करेगा, एसेट आई, एसेट किस नाम से, फाइनेंशियल एसेट, एसेट किस नाम से आई दोस्तों, फाइनेंशियल एसेट, ठीक है भाई, यहां से समझ में आ गया। तो फाइनेंशियल एसेट क्या होती है, जब भी कोई बैंक किसी पर्सन को लोन देगा और उसके बदले में कोई सिक्योरिटी लेगा, वो एसेट भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी लेगा, उस सिक्योरिटी को बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में फाइनेंशियल एसेट नाम से शो करेगा दोस्तों। यहां तक क्लियर होगी, हाँ जी सर। तो दूसरा पॉइंट हमने कहा बैंक ने लोन दिया, और दूसरा पॉइंट हमने बैंक ने लोन देने के बाद सिक्योरिटी ले ली, ठीक। तो बैंक के पास क्या आ गई दोस्तों, फाइनेंशियल एसेट आई। अब देखो बैंक के पास जब एसेट आएगी, बैंक के पास जब एसेट आएगी दोस्तों, तो बैंक इस एसेट के दो पार्ट कर देता है, बैंक इस एसेट के कितने पार्ट कर देगा दोस्तों, दो पार्ट, एक पार्ट को बोलेगा परफॉर्मिंग एसेट, एक पार्ट को क्या बोलेगा, परफॉर्मिंग एसेट, और एक पार्ट को बोलेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दो पार्ट मतलब एनपीए डिक्लेयर कर देगा। अच्छा परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग क्या होता है, मेरी बात सुनेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं कहीं पर परफॉर्मिंग एसेट। बैंक कब कोई भी फाइनेंशियल एसेट को परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करेगी, बैंक कब कोई भी फाइनेंशियल एसेट को परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करेगी, जब बैंक का लोन का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पर आ रहा है, तो बैंक के लिए वो एसेट परफॉर्मिंग एसेट होगी। जब लोन बैंक के लोन का इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पर आ रहा है, तो बैंक उस फाइनेंशियल एसेट को परफॉर्मिंग एसेट रहेगी। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जब बैंक के लोन का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल टाइम पर नहीं आ रहा, तो बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलेगी। अच्छा तो इसके अंदर बैंक क्या करेगी भाई, फाइनेंशियल एसेट को या तो परफॉर्मिंग एसेट बोलेगी या नॉन। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, मिस्टर ए बैंक को टाइम पे ना इंटरेस्ट पे कर रहे ना लोन दे रहे, लोन का रीपेमेंट कर रहे, मिस्टर ए बैंक को ना तो टाइम पे इंटरेस्ट दे रहे दोस्तों, ना ही टाइम पे लोन दे रहे। अब बैंक ने क्या कर दिया, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया, एनपीए डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब समझ में आया एनपीए किसे कहते हैं, हाँ जी बहुत समझा दिया मैंने एनपीए किसे कहते हैं। एनपीए क्या होता है, जब भी कोई बोरोअर जिसने हमसे लोन लिया था, अगर वो हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पे नहीं दे रहे या नहीं दे रहा बिल्कुल ही, तो हम उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देंगे, अब वो एसेट हमारे कोई काम की नहीं रहेगी। अब बैंक क्या करेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के दो काम करेगा, दोस्तों पहला काम कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को परफॉर्मिंग एसेट बनाने की कोशिश करेगा, एक एजेंट अपॉइंट करेगा, कहेगा भाई जाओ उसके घर जाओ, मिस्टर ए के घर जाओ, और वहां से उनका सामान कुछ ऐसा करो कि वो लोन का रिपेमेंट करे, उनको धमकाओ कुछ भी करो पर लोन का पेमेंट। तो बैंक ट्राई करेगा कि भाई ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब लोन का रिपेमेंट करने लग जाए, इंटरेस्ट दे जाए, या
ये नॉन प्रॉफिट, वो भाई कुछ भी करे पर वो दे नहीं रहा पैसा। मिस्टर ए के घर में गए मान लो एजेंट, चार जने गए एजेंट मिलकर, और मिस्टर ए पैसा दे नहीं रहे, दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजे खोल नहीं रहे। तो इस केस के अंदर बैंक एनपीए वो बन जाएगा लॉस असेट। क्या बन जाएगा दोस्तों? लॉस असेट। पहली बात सुनो क्या बोला मैंने, मैंने कहा भाई बैंक के पास असेट आई थी, उस असेट को या तो परफॉर्मिंग असेट बोलेगा बैंक या फिर डिक्लेयर कर देगा एनपीए। अगर परफॉर्मिंग असेट है तो ठीक है, बात ही खत्म होगी, चैप्टर आता ही नहीं। अगर परफॉर्मिंग असेट हो गई है, परफॉर्मिंग असेट है, वो चैप्टर आएगा ही नहीं दोस्तों ये, ठीक है। अगर बात आ रही है दोस्तों, अगर ये एनपीए बैंक ट्राई करेगा कि एनपीए क्या बन जाए, परफॉर्मिंग एसेट बन जाए, लोन का रिकवरी होना चालू हो जाए, अगर लोन का रिकवरी एजेंट भेजने के बाद लोन का रिकवरी होना चालू हो जाता है तो एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा परफॉर्मिंग एसेट, और परफॉर्मिंग एसेट बनकर क्या हो जाएगा, बैंक खुश हो जाएगा कि भाई चलो लोन का रिकवरी हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। बट अगर वो लोन का रिकवरी नहीं हो पा रहा, अगर वो लोन का रिकवर नहीं कर पा रहा, या प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट रिकवर नहीं हो पा रहा, तो उस केस में बैंक क्या बोल देगा, इसको डिक्लेयर कर देगा लॉस एसेट। क्या डिक्लेयर कर देगा दोस्तों? लॉस एसेट। और लॉस एसेट की जो भी बैंक ने एसेट ली थी, याली दोस्तों जो भी दूसरे नंबर पे बैंक ने एसेट ली थी, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? अब इसकी वैल्यू ऑफ एसेट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी दोस्तों? जीरो। तो बैंक ने क्या लिया? जीरो हो जाएगी इसके अंदर। पूरा सुना ध्यान से, अब यहां से सिचुएशन क्रिटिकल होने वाली है। वैल्यू ऑफ एसेट क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट एफए, वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट क्या हो जाएगी दोस्तों? जीरो हो जाएगी इस केस के अंदर। अब इसके बाद क्या करेगा बैंक? बैंक ने भाई एजेंट भेज दिया, वो पैसा दे ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो बैंक क्या करेगा इसके बाद? अब देखना, आगे सुनना। तो सर आगे देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पर। इसके बाद अब क्या हो रहा है सर दोस्तों, कि मुझे लॉस असेट है ना दोस्तों, लॉस असेट। अब बैंक गया, बैंक के कुछ लोग गए मिस्टर ए के घर पे, मिस्टर ए से बोला कि भाई लाओ हमारा पैसा दे दो, हमको आगे परफॉर्मिंग एसेट बनानी है, ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा। तो मिस्टर बहुत ट्राई करा पर नहीं हो पाया, कि बैंक ने मिस्टर के घर पे गए, सब कुछ ट्राई करा पर नहीं दे पाए वो पैसा, नहीं रिकवर कर पाए दोस्तों, पैसा रिकवर नहीं कर। तो बैंक क्या कर लेता है? इसको लॉस एसेट डिक्लेयर कर देता है। अब इसके लिए बैंक के लिए वो फाइनेंशियल एसेट जो एसेट साइड में हो रही थी, फाइनेंशियल एसेट, अब उसकी वैल्यू जीरो हो गई। अब क्या होता है सर दोस्तों, ध्यान समझना। एक कंपनी होती है सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। अब ये कंपनी क्या कहती है बैंक को? एक ऑफर लेकर आती है कंपनी बैंक से। सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कहती है बैंक से कि देखो बैंक, आपको एक मिनट, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या कहती है दोस्तों बैंक से? बैंक से बोलती है देखो ये जो लॉस एसेट है, ये लॉस एसेट हमें को ट्रांसफर कर दो, ये लॉस एसेट क्या कर दो दोस्तों? हमें ट्रांसफर कर दो इस लॉस एसेट को। बैंक कह रही है भाई हम क्यों करें लॉस एसेट को ट्रांसफर, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कह रही है कि देखो हमें ट्रांसफर कर दो, हम एक बार कोशिश करते हैं कि हम रिकवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपके लिए तो लॉस है, आपके लिए तो वैल्यू जीरो, आप हमें ट्रांसफर कर दो। तो बैंक सोच रहा है कि भाई ये लॉस एसेट ये हमें से ट्रांसफर करवा रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। तो बैंक कह रहा है कि भाई, बैंक कह रहा है सिक्योरिटाइजेशन कंपनी से, भाई तुम्हें जो फायदा होगा उसमें से कुछ फायदा हमें भी होना चाहिए। तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कह रही है देखो अगर हमने तुमसे ये लॉस एसेट ली जिसकी वैल्यू आज जीरो है आपके उसमें बुक्स अकाउंट में, जिसकी वैल्यू आज जीरो है, और हम रिकवर करने गए हमसे नहीं हुआ, तो हमारे लिए तो लॉस हुआ। और अगर मैं आपको कुछ पेमेंट कर दूं तो इस केस के अंदर तो इस केस के अंदर क्या होगा? मुझे लॉस हो जाएगा। मैंने आपसे ट्रांसफर जीरो एसेट ले ली, और मैंने मान लिया आपको 1 लाख रुपए दे दिए, उस एसेट के जीरो एसेट ले ली मैंने आपको, मान लिया 1 लाख रुपए दे दिए, और मैं उससे रिकवर नहीं कर पाया मिस्टर ए से। सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कह रही है बैंक से कि भाई आप मुझे एसेट ट्रांसफर कर दो, हम देखते हैं हम रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। तो लॉस या भी लॉस है जब जीरो लिए, तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कह रही है अगर मैं आपसे एसेट ले लूं और आपको कुछ पैसा दे दूं, कैश में कंसीडरेशन दे दूं, और मैं रिकवर नहीं कर पाया, तो मेरे लिए तो 1 लाख का लॉस हो जाएगा। तो बैंक कह रही है भाई कुछ ऐसा, आप मुझसे एसेट तो ले लो पर ऐसा कुछ दो जिससे मुझे फायदा हो जाए और आपको भी लॉस ना हो। जैसे कि बैंक क्या करती है, अब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या करेगी, ध्यान सुनना दोस्तों, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या करेगी बैंक को दे देगी क्या? बैंक को सिक्योरिटाइजेशन कंपनी अपनी सिक्योरिटी इशू कर देगी, अपनी कंपनी के सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बैंक को अपनी सिक्योरिटी इशू कर देगी, ठीक है दोस्तों, सिक्योरिटी इशू कर देगी। अच्छा यहां से तो ये लोन लिया ही था, ठीक है। तो बैंक ने क्या, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने क्या करा, सिक्योरिटीज इशू कर दी। जैसे कि मान लेते हैं डिवेंचर, दोस्तों डिवेंचर इशू कर दिए, है ना। और क्या हो सकता है, मान लेते हैं सर शेयर इशू कर दिए, डिवेंचर इशू कर दिए, शेयर इशू कर दिए, है ना, शेयर इशू कर दिए,
और भी बहुत सारी सिक्योरिटी हो सकती है जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या करती है, बैंक को सिक्योर। अब देखा हुआ क्या दोस्तों, बैंक क्या कर रहा है सर, बैंक अपनी एसेट को, बैंक अपनी जो फाइनेंशियल एसेट है उससे परफॉर्मिंग लॉस एसेट बना लिया उसने, क्योंकि वो रिकवर नहीं कर पा रही। अब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी यहां पर आई और बैंक से बोला अपनी लॉस एसेट को मुझे ट्रांसफर कर दो और बदले मेरे से क्या ले लो, सिक्योरिटी ले लो। अपनी लॉस एसेट को मुझे ट्रांसफर कर दो और बदले मेरे से क्या ले लो दोस्तों, सिक्योरिटी ले लो। अब बैंक सिक्योरिटी क्या करेगी, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या करेगी, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी अपनी बैलेंस शीट के अंदर, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या करेगी अपनी बैलेंस शीट के अंदर यहां से लिखेगी शेयर कैपिटल, यहां क्या लिखेगी दोस्तों शेयर कैपिटल, इसकी लायबिलिटी बन जाएगी क्योंकि इसने सिक्योरिटी इशू करी थी। और दूसरा यहां पर क्या लिखेगी दोस्तों, यहां पर लिखेगी भाई इसके पास क्या आई, इसके पास फाइनेंशियल एसेट आ गई, क्या आ गई दोस्तों, इसके पास क्या आ गई दोस्तों, फाइनेंशियल एसेट। मैं किसकी बुक बना रहा हूं, ये मैं किसकी बुक बना रहा हूं दोस्तों, मैं बना रहा हूं सिक्योरिटाइजेशन कंपनी की। तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने बैंक से क्या ले लिया, शेयर कैप, बैंक से ले लिया फाइनेंशियल एसेट जीरो एसेट वाली, और उसको उसके बदले में क्या इशू कर दिया, सिक्योरिटी इशू कर दिया। क्यों करा था, क्योंकि बैंक लोन रिकवर नहीं कर पा रही, अगर बैंक लोन रिकवर कर लेती है तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी आएगी नहीं। तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या होती है, जब भी कोई बैंक लोन रिकवर नहीं कर पाती तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी उनकी मदद करती है और वो एसेट को अपने आप पर ट्रांसफर करवा लेती है, उसके बिहाफ पर सिक्योरिटी इशू कर देती है। सिक्योरिटाइजेशन कंपनी लॉस एसेट को बैंक से, बैंक की लॉस एसेट को अपने पास ट्रांसफर करा लेती है और उसके बदले में सिक्योरिटी इशू कर देती है दोस्तों। जो अपने पास ट्रांसफर कराएगी उसको हम एसेट साइड में शो करेंगे सिक्योरिटाइजेशन कंपनी की, वो बोलेंगे फाइनेंशियल एसेट, और उसके बदले में क्या दे दी, अपनी एक लायबिलिटी जनरेट कर ली जो सिक्योरिटी इशू कर दी। यहां समझ में आया, हाँ जी यहां समझ में आया। और सर मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर जब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या करेगी, सिक्योरिटी इशू करेगी तो टू शेयर कैपिटल तो देखो यहां पर आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल तो लायबिलिटी बन जाएगी, पर इसके बदले में कैश दिया दोस्तों, या फाइनेंशियल एसेट आई है, इसके बदले में क्या आई है, कैश आया दोस्तों, फाइनेंशियल एसेट, सर फाइनेंशियल कैश नहीं आएगा सर, फाइनेंशियल एसेट आएगी दोस्तों उसके बदले में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी कोई सिक्योरिटाइजेशन कंपनी लॉस एसेट को अपने पास ट्रांसफर कराती है बैंक से और उसके बदले में जब सिक्योरिटी इशू कर देती है, इसी को हम नाम देते हैं, इसी को तो इसको हम कहां, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या करेगी, इसका इसी बैलेंस शीट को शेयर कैपिटल में शो करेगी और एसेट की फाइनेंशियल एसेट में, एसेट साइड में फाइनेंशियल एसेट करके शो करेगी। इसके बाद क्या होता है कहानी, तो इसके बाद क्या हुआ देखो, अब देखा जाए तो अब ये जो एसेट, अब जरा ध्यान सुनना पूरी कहानी को, ध्यान समझे देखो, अब जो एसेट है यहां मैंने कर दिया सर, ये जो एसेट हुई ये वाली एसेट, ये जो एसेट है अभी किसको ट्रांसफर हो गई, ये अब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को ट्रांसफर हो गई। तो पहले किसको गई थी, पहले मिस्टर ने किसको दे दी एसेट, बैंक को, अब बैंक ने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दी। तो अब असली कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बन गया, बोरोवर का कॉन्ट्रैक्ट किसके बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया किसके साथ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया किसके साथ, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी का। पहले बोरोवर का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था, बैंक के साथ। अब बैंक ने क्या करा, वो जो एसेट सिक्योरिटी के तौर पर मिली थी वो ट्रांसफर कर दी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को, वो जो एसेट सिक्योरिटी के तौर पर मिली थी वो ट्रांसफर कर दी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को। और अब जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, कॉन्ट्रैक्ट है दैट मिस्टर ए बोरोवर और सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सर समझ में आया आपको, सर अब बताता हूँ इस केस को क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन, इसको नाम देते हैं दोस्तों सिक्योरिटाइजेशन। अब सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है जरा मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसमें, जब भी बैंक सिक्योरिटाइजेशन, मैंने सिखाया था हेडिंग में, हेडिंग दे दी है, यहां लिख देते हैं दोस्तों, जब भी बैंक सिक्योरिटाइजेशन, चैप्टर का पहला नाम दोस्तों सिक्योरिटाइजेशन का पहला नाम सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। पहले क्या समझाया सिक्योरिटाइजेशन, ध्यान सुनना दोस्तों, जब भी बैंक फाइनेंशियल एसेट को ट्रांसफर देती है, जब भी बैंक फाइनेंशियल एसेट को ट्रांसफर कर देती है, जब भी बैंक फाइनेंशियल एसेट को ट्रांसफर कर देती है सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को और उस एसेट्स के बदले सिक्योरिटी ले लेती है, इसे हम सिक्योरिटाइजेशन कहेंगे। लो भाई
पहला एग्जाम्पल में पहला वर्ड का मतलब समझ में आया। तो अब हमारा जो चैप्टर है सरफासी में सिक्योरिटाइजेशन, उसका मतलब दोस्तों द सिक्योरिटाइजेशन, इसका तो इस सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस सिक्योरिटाइजेशन का मतलब अगर मैं बोलूं कि सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है व्हेन फाइनेंशियल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू सिक्योरिटी, जब भी बैंक अपने फाइनेंशियल एसेट को ट्रांसफर कर देती है सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को और उस एसेट के बदले सिक्योरिटी ले लेती है, तो हमने क्या करा फाइनेंशियल एसेट को कन्वर्ट कर लिया किसमें, व्हेन फाइनेंशियल एसेट, व्हेन फाइनेंशियल एसेट इज कन्वर्टेड, व्हेन फाइनेंशियल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड इनटू सिक्योरिटी, व्हेन फाइनेंशियल एसेट कन्वर्टेड इनटू सिक्योरिटी इट इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन। तो सिक्योरिटाइजेशन क्या होगा दोस्तों, जब भी कोई फाइनेंशियल एसेट सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाए, जब भी बैंक की कोई भी फाइनेंशियल एसेट सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाए, इसी को हम सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं, इसी को हम क्या देते हैं सिक्योरिटाइजेशन। तो पहले एग्जाम्पल में सिक्योरिटाइजेशन समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सिक्योरिटाइजेशन क्या होगा बता रहा हूं, तो हमने एक एग्जाम्पल एक बार और यू देख लेते हैं। और भी देख लेते हैं दोस्तों एग्जांपल का। तो बैंक ने क्या करा था, पहले अपना लोन दिया था मिस्टर ए को, लोन के साथ बैंक ने क्या करा सिक्योरिटी जमा कराई। अब मिस्टर ए लोन रिपे नहीं कर पा रहे, नहीं दे पा रहे, या मर्जी से नहीं दे रहे, डिफॉल्ट कर रहे, जानबूझकर नहीं दे रहे, तो बैंक ने क्या करा उसको उस एसेट को एनपीए डिक्लेयर करा, क्योंकि लोन नहीं। अब बैंक ट्राई करेगा कि वो लोन क्या बन जाए, परफॉर्मिंग एसेट बन जाए। तो अगर वो परफॉर्मिंग एसेट नहीं बन रहा, लॉस एसेट बन गया, तो उसके इसके अंदर लॉस को वो एसेट को ट्रांसफर कर देगा किसको, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, उसके बदले में क्या ले लेगा दोस्तों सिक्योरिटी ले लेगा। जब फाइनेंशियल एसेट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बदले में सिक्योरिटी ले लेते हैं, दैट कन्वर्जन इज नोन एज सिक्योरिटाइजेशन, इसी कन्वर्जन को सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं दोस्तों। क्लियर है या नहीं है। अब मैं एग्जांपल को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं और अगला कंपाउंड हम सीख रहे हैं, एग्जांपल को आगे बढ़ाकर हम अनएक्सपोन सीख रहे हैं। एग्जांपल नंबर टू। तो एग्जांपल नंबर टू देखे और एग्जांपल नंबर, पहले एग्जांपल क्या था, पहले एग्जांपल से हमने पहला पॉइंट समझा सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन मतलब क्या होता है, जब भी कोई बैंक अपनी फाइनेंशियल एसेट को सिक्योरिटी में कन्वर्जन करा लेता है, कन्वर्ट करा लेता है, दैट कन्वर्जन इज नोन एज सिक्योरिटाइजेशन, उसी कन्वर्जन को सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। अब क्या हुआ, अब जरा ध्यान देना, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, अब फाइनेंशियल एसेट किसके पास है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के पास, फाइनेंशियल एसेट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के पास है दोस्तों। अब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने, अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और मिस्टर ए के पास था, बरोवर के पास। अब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने मिस्टर ए को कहा कि भाई आओ कभी हवेली में, है ना, वो देखिए फिल्म आपने, आओ कभी ऑफिस में मिलकर बात करते हैं, ठीक है। तो मिस्टर ए ऑफिस में चले गए, गॉन टू ऑफिस, ठीक है। तो भाई सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने मिस्टर ए को ऑफिस में बुलाया कि आओ ऑफिस में, आपसे लोन से रिलेटेड कुछ बात करनी है। अब मिस्टर ए ऑफिस चले गए उसके। अब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने कहा कि भाई हमें एक ऑफर दे रहे हैं आपको, हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं, ध्यान सुनिए। मान देखो सिक्योरिटाइजेशन ने मिस्टर ए से कहा, देखो आपका, आपने लोन लिया था किसी बैंक से, उसने कहा हाँ लोन लिया था। आपने कितना लोन लिया था, 15 करोड़ का लोन लिया था, उसने कहा हाँ 15 करोड़ का लोन लिया था। और आपका इंटरेस्ट कितना ड्यू है, 5 करोड़ इंटरेस्ट, 20 करोड़ हो गया। तो देखो अगर मैं आपसे कहूं, तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कहा कि भाई देखो ये आपका सिनेरियो है, अभी तक आपने ये ले रखा है, ठीक है दोस्तों। तो सर सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने ऑफर दिया, अब वो ऑफर क्या दिया, उससे बोला कि भाई देख मिस्टर ए, आपने लोन पे नहीं करा, ठीक है, अगर मैं कहूं कि आप इंटरेस्ट मत दो, आप बस मुझे लोन अमाउंट दे दो क्या आप पे कर दोगे दोस्तों। तो मिस्टर सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने मिस्टर ए को बोला कि आप मुझे इंटरेस्ट मत दो, मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बस आपका लोन अमाउंट दे दो और मैं आपका सारा लोन माफ करवा दूंगा, 15 करोड़ रुपए दे दो और इंटरेस्ट मत देना 5 करोड़ का। मिस्टर ए कह रहे कि सर मुझे जब लोन देना ही नहीं है, लोन का रिपेमेंट करना ही नहीं है, तो मैं ये लोन दूं क्यों। तो इस केस के अंदर सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने कहा चलो कोई बात नहीं, 15 करोड़ मत दे,
मैं तेरे को बोलता हूँ तू 10 करोड़ दे दे, तू मुझे इंटरेस्ट मत दे, तू मुझे इंटरेस्ट मत दे, तू 15 करोड़ देना था वो भी मत दे, तू मुझे 10 करोड़ दे दे और तेरा लोन मैं माफ करा दूंगा। तो मिस्टर डे ने कहा नहीं सर, नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं दूंगा नहीं, क्योंकि वो चाहता ही नहीं पैसे देना। अब मिस्टर सिक्योरिटी इनकम, अच्छा चल लास्ट ऑफर, अच्छा लास्ट ऑफर, लास्ट ऑफर कि भाई लास्ट ऑफर की 3 करोड़ पे तू दे दे मुझे और मैं तेरा लोन माफ करा दूंगा। 3 करोड़ पे तू मुझे दे दे, मैं तेरा लोन माफ करा दूंगा। अब मिस्टर ए के मन में लालच आ गया दोस्तों, मिस्टर ए के मन में लालच आ गया, तो मिस्टर ए मैंने मन में लालच आ गया और कहा कि भाई ठीक है सर, मैं अब एक न्यू बॉन्ड बनाया, अब एक न्यू बॉन्ड बनाया, किसने न्यू बॉन्ड बनाया, किसके बीच में, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और मिस्टर ए के बीच में, और कहा कि भाई आप मुझे 3 करोड़ पर दोगे, आपका 15 करोड़ रुपए का लोन मैंने माफ कर दिया, जो कि आपको 10 साल के अंदर मान लेते पेमेंट करना था, ठीक है, आप इंटरेस्ट देना था 5 करोड़ पे, मैंने आपको माफ कर दिया इंटरेस्ट, आप उसके बदले में मुझे 20 करोड़ के बदले में आप मुझे क्या दोगे, 3 करोड़ पे दोगे, और आगे मैं आपका टाइम भी बढ़ा रहा हूं, मैं आपके टाइम भी बढ़ा रहा हूं, मैं आपका कर रहा हूं 25-20 साल तक, 20 साल में आप मुझे पेमेंट कर देना। तो इस केस के अंदर मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए जो है वो एग्री हो गए, मिस्टर ए जो है दोस्तों वो एग्री हो गए इस केस के अंदर कि भाई आप ऐसे करना, मुझे मैंने कहा भाई 3 करोड़ पे दे देना और 3 करोड़ के बदले में और मैं आपको 3 करोड़ आप देना मुझे 20 साल के अंदर और मैं आपका 15 करोड़ का लोन और 5 करोड़ का इंटरेस्ट माफ कर दूंगा। भाई मिस्टर ए ने ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब जरा सुनना, मिस्टर ए एक्सेप्ट द ऑफर, एक्सेप्ट द ऑफर, मिस्टर ए एक्सेप्ट ऑफर, मिस्टर ए ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके इसके अंदर क्या हुआ, अब जो एसेट लॉस एसेट थी दोस्तों, जो लॉस एसेट थी वो वापसी कन्वर्ट होगी फाइनेंशियल एसेट। लॉस एसेट थी हमारी 15 लाख की, लॉस एसेट कितने की थी दोस्तों, 15 करोड़ की, 15 करोड़ की एसेट अब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने कन्वर्ट करा ली कितने में, 3 करोड़ वाली, 3 करोड़ में कन्वर्ट करा ली। तो जब हम अपनी लॉस एसेट को, अपनी लॉस एसेट को फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट करा लेते हैं वापसी, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। लो सर, मैंने इसका ही मतलब बता दिया आपको। तो भाई रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट क्या होगी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो दोस्तों जब भी कोई सिक्योरिटाइजेशन कंपनी लॉस एसेट को कन्वर्ट करा लेती है फाइनेंशियल एसेट में, इसी को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट कहते हैं, इसी को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको। तो कन्वर्जन ऑफ लॉस एसेट इनटू फाइनेंशियल एसेट, तो कन्वर्जन ऑफ, ऐसे लिखे, व्हेन लॉस एसेट इज कन्वर्टेड इनटू फाइनेंशियल एसेट, व्हेन, मैं लिख देता हूं दोस्तों व्हेन, लो दोस्तों तो मैंने लिख दिया व्हेन लॉस एसेट इज कन्वर्टेड इनटू फाइनेंशियल, जब लॉस एसेट दोबारा फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। दो वर्ड का मतलब समझा दिया मैंने, पहला वर्ड का मतलब सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई बैंक अपनी लॉस एसेट को रिकवर नहीं कर पाती, अपनी एसेट को रिकवर नहीं करवाती तो वो लॉस एसेट में कन्वर्ट हो जाती है, उस लॉस एसेट को हम देते थे सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को। अब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या करती है, उसके बदले में सिक्योरिटी दे देती है। तो बैंक ने क्या करा, बैंक ने लॉस एसेट को कन्वर्ट करा लिया सिक्योरिटी में, इसी को नाम देते हैं सिक्योरिटाइजेशन। अब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी जब ये लॉस एसेट को वापसी फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट करा लेगी तो इसको नाम देंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। क्लियर है या नहीं है? हाँ जी। तो हमने अभी मिस्टर ए को ये ऑफर दिया कि भाई अब ऐसा है कि आप ना मुझे 3 करोड़ रुपए का लोन देना आने वालों 20 सालों में, आप मुझे 3 करोड़ का लोन देना आने वाले 20 सालों में, ये है, अब 15 करोड़ छोड़ दो, आप मुझे 3 करोड़ का लोन देना आने वाले 20 सालों में। अब क्या करा मिस्टर ए ने, इसमें भी डिफॉल्ट कर दिया, एक तो उसका लोन अमाउंट कम करा, इंटरेस्ट खत्म करा, अब बोला कि भाई तू 20 करोड़ की जगह 3 करोड़ दे दियो। अब मिस्टर कह रहे नहीं मैं भी नहीं दे रहा, इसमें भी भाई 50,000 की 50 लाख की पेमेंट करी इसने मिस्टर ए ने,
मिस्टर ए ने 3 करोड़ में से 50 लाख की पेमेंट करी, अब उसके अंदर 2.5 करोड़ की पेमेंट नहीं करी और डिफॉल्ट कर दिया। तब इस केस के अंदर क्या करती है, लास्ट चांस बचा होता है जब कोशिश कर रिकंस्ट्रक्शन करा जाता है फाइनेंशियल एसेट का, लोन कम कराया था कुछ भी करके कंस्ट्रक्शन को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट करा जाता है, दोबारा लॉस एसेट को फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट करा जाता है, उसके बाद भी अगर कोई भी बोरोवर डिफॉल्ट करता है, इस केस के अंदर लॉस होता है कि उसकी जितनी भी एसेट हमारे पे पड़ी थी सिक्योरिटी के तौर पे, याद करो जो बैंक को दी थी सिक्योरिटी के तौर पे, वो एसेट को हम बेच कर सारा पैसा वसूल कर लेते हैं। इट्स कॉल्ड बेच कर सारा पैसा रिकवर करना, इन्फोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, वो एसेट जो हमारे पास फाइनेंशियल थी उसको बेचकर मैं अब सारा पैसा रिकवर कर लूंगा ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ध्यान सुना तो दोस्तों, इन्फोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट और सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। मिस्टर ए ने कुछ अमाउंट पे करा 50 लाख रुपए, उसको कितना पे करना, 3 करोड़, 3 करोड़ में से 50 लाख पे करा, 2.5 करोड़ मना कर दिया पे करने से। इस केस के अंदर रिकवरी एजेंट, अब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के रिकवरी एजेंट उसकी फाइनेंशियल एसेट जो सिक्योरिटी के तौर पे जमा थी उसको बेच देंगे और अमाउंट रियलाइज कर लेंगे। जब उसको बेचकर अमाउंट रियलाइज करेंगे इसी को हम नाम देते हैं इन्फोर्समेंट। किसका, किसको बेचकर इन्फोर्समेंट किसका करा, फाइनेंशियल एसेट का। किस लिए, ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सिक्योरिटी जो थी उसके इंटरेस्ट के लिए, उसके हित में हमने फाइनेंशियल एसेट को बेचा और रिकवर कर लिया। अच्छा तो ये लिखा है मिस्टर ए ने कुछ अमाउंट, मिस्टर ए ने ऊपर देखो सर दोस्तों, यहां पर देखो मिस्टर ए ने कुछ अमाउंट को पे किया 50 लाख था और बाकी 2.5 करोड़ उसे के लिए मना कर दिया। तो अब रिकवरी एजेंट उसकी फाइनेंशियल एसेट को सेल करेंगे और सारा मनी रिलाइज कर देंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, आफ्टर रिलाइजेशन हम रिमेनिंग अमाउंट वापस कर देंगे। अगर रिलाइजेशन हो गया तो रिलाइजेशन करके कुछ बच जाएगा पैसा तो वापस कर देंगे। अब जरा एग्जांपल समझो कि कितना अमाउंट रिलाइज करेंगे। देखो मान लेते हैं एसेट सेल हुई 25 करोड़ की, एसेट कितने की सेल हुई, 25 करोड़ की। अब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी सबसे पहले क्या लेगी, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, उसका अपना 3 करोड़ तो वापस ले लेगी, अपना 3 करोड़ तो वापस ले लेगी। ठीक है, अच्छा 50 लाख पहले ले लिया था, अब बाकी 2.5 करोड़ और वापस ले लेगी। ठीक है, अच्छा मैं कह रहा हूँ 50 छोड़ने के बाद 3 करोड़ वापस ले लेगी, बाकी बैंक से, बैंक का 15 करोड़ का लोन था, अच्छा उसको लोन के लिए 3 करोड़ था सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ले लिया और बैंक को वापस कर देगी 12 करोड़। भाई बैंक ने लोन कितने का दिया था, 15 करोड़ का मान लेते हैं ना ऊपर, तब वो 5 करोड़ का इंटरेस्ट था, तभी तो 20 करोड़ हुआ था। अब उसमें से 15 करोड़ में से 3 करोड़ तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ले लिया, 12 करोड़ बैंक ले लेगी। ठीक है, और 5 करोड़ का इंटरेस्ट, इन तीनों को मिलाकर सर 20 करोड़ आना चाहिए, 20 करोड़ से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि बैंक को ही 15 करोड़ चार्ज करेंगे और 3 करोड़ सिक्योरिटाइजेशन, ऐसा नहीं होगा सर। अगर सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने 3 करोड़ चार्ज कर लिया तो बाकी का 12 करोड़ बैंक चार्ज करेगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा रिकवरी एक्सपेंस होगा तो वो चार्ज करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा 3 करोड़ पे ये वापिस कर देंगे। तो सर मैंने पूरी कहानी के अंदर आपको 3 वर्ड सिखा दिए, सिक्योरिटाइजेशन सिखाया, सिक्योरिटाइजेशन सिखाने के बाद मैंने सिखाया आपको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट और फिर उसके बाद मैंने सिखाया आपको इन्फोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी से एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई बैंक अपनी लॉस एसेट का मनी अमाउंट लोन अमाउंट रिकवर नहीं कर पा रही तो उस लॉस एसेट को ट्रांसफर कर देते हैं सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को और उसके बदले में सिक्योरिटाइजेशन कंपनी हमें देती है सिक्योरिटी। तो सिंपल मीनिंग, जब भी अपनी फाइनेंशियल एसेट को सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर लो, ट्रांसफर करके सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर लो, ऐसे ही होते हैं सिक्योरिटाइजेशन, इसको क्या देते हैं सिक्योरिटाइजेशन। अब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या करेगी, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कोशिश करेगी कि वो जो फाइनेंशियल एसेट है वो रिकंस्ट्रक्शन हो जाए वापस, वो जो लॉस एसेट है वो वापस रिकंस्ट्रक्शन हो जाए फाइनेंशियल एसेट में। तो जब भी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी उस लॉस एसेट को कुछ अमाउंट तक रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है तो इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। उसके बाद भी अगर हमने कहा भाई 3 करोड़ 15-20 करोड़ का लोन का हमने 3 करोड़ कर दिया, टाइम भी बढ़ा दिया, इसके बाद भी अगर उस बंदे ने पैसा नहीं दिया, मार लिया पैसा, तो अब उसकी एसेट को बेच दिया जाएगा और एसेट बेच के जो पैसा रिलाइज होगा दैट इज कॉल्ड इन्फोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तीनों वर्ड का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया दोस्तों और आपको पता चल गया होगा पूरा चैप्टर में क्या है, सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोविजन करने हैं, सिक्योरिटाइजेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल लॉस एसेट को, फाइनेंशियल एसेट को सिक्योरिटी के अंदर लॉस एसेट, और कैसे हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं लॉस एसेट को, वापस फाइनेंशियल एसेट कैसे बना सकते हैं,
ये मैंने आपको सिखाया। और तीसरा कैसे इन्फोर्समेंट होगा, पहले दो चीजें होगी उसके बाद लास्ट में इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योर फाइनेंशियल एसेट होगा फॉर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही, और हमने आज की क्लास के अंदर कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा और साथ में हमने तीन एग्जांपल पढ़े जिससे हमने तीनों पूरे चैप्टर का सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट सरफासी एक्ट को समझा ओवरव्यू। और मैं अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया तो बिल्कुल बिल्कुल नीचे कमेंट करके लाइक करें सर, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं हमें। ठीक है, थैंक यू सर, आज के लिए इतना।